हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक स्टडी टेक्निक की। टॉपिक है स्टडी करने के बाद भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है क्या करें। बहुत ही काम की बात है, समझिएगा एक बार कि कोचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या रीज़न है इसका। तो इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और यदि ये परेशानी आपके साथ हैं और यदि मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो करोगे तो डेफिनेटली आपको है ना इसमें फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जो हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के साथ काम में ले रहे हैं और उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। देखिए, पहली बात कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को आइडेंटिफाई कीजिए। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द स्कीम ऑफ एग्जाम। कैसे? कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितना वेटेज है ये पता कीजिए पहली बात तो, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं वो पता कीजिए। कहाँ से पता लगेगा? प्रीवियस पेपर से पता लगेगा या आपके टीचर से पता लगेगा, ठीक है। अब जैसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि कोई डीएसएसबी स्टाफ नर्स का एग्जाम लिखना चाह रहा है। तो डीएसएसबी स्टाफ नर्स के एग्जाम में क्या होता है कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे के आते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसमें 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, और 100 क्वेश्चन होते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश, 20-20-20 ऐसे करके पाँचों के। अब मान लो कोई स्टूडेंट, आपको पता है 50% वेटेज नॉन नर्सिंग वाले पार्ट का है और आपने 50% वेटेज नर्सिंग वाले पार्ट का है, और आपने नर्सिंग वाले पार्ट के लिए पूरी 6 महीने की कोचिंग की है, 5 साल की नर्सिंग की है और वो चीज़ किया, और जो 50% पार्ट है उसके लिए आपने ना तो कोचिंग की है, ना पढ़ाई की है, ना उसके क्वेश्चन सोल्व किए, तो मुझे एक बात बताइए उसमें नंबर कैसे आएंगे? इसमें भी तो इतना ही समय देना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि जो वेटेज है, जो चीज़ें पूछी जाती है उन पे भी आपको फोकस करना है, तभी जाके मेन चीज़ बनेगी। तो पहला स्टेप क्लियर, आइडेंटिफाई द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा, स्पेंड स्टडी टाइम एज पर वेटेज ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, उससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक जैसे सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उससे 22-23 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंपली देखा जाए तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को हम मान लो 40 घंटे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मान लो हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी 40-50 घंटे लगाए, तो कहाँ का मतलब एक अच्छा डिसीजन रहा? जिस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है उस पर ज़्यादा समय खर्च कीजिए, उसको बार बार रिविज़न कीजिए, और जिसका वेटेज कम है उसमें से जिस टॉपिक से ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को पहले पढ़िए, फिर भी आपके पास समय बचता है तो और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट जिन चीज़ों में ज़्यादा टॉपिक है, बार बार वेटेज दिया जा रहा है, ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको ही बार बार रिवीजन कीजिए। मैं कह रहा हूँ पूरी चीज़ें मत पढ़ो, 60% पढ़ लो, बट वो 60% ऐसे पढ़िए कि उनसे कोई भी सवाल पूछे वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे तब जाके बात होगी। तो जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। नेक्स्ट आता है नोट्स मेकिंग। ध्यान से समझिएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कितने अच्छे नोट्स दे दे, आप खुद के नोट्स बनाइए। वो बोलते हैं ना कि खुद को मरना होगा यदि जन्नत देखनी है तो, उसके बाद पता लगेगा कि दिखेगी कि नहीं दिखेगी, है ना, वो तो बाद की बात, बट मरना खुद को ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे पड़ोसी लगा दिए मरने के लिए कि, तो है ना, आजकल ये भी चीज़ ऐसी हो गई है ना कि हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ काम करने के लिए दूसरे लोगों को लगा देते हैं, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। हमको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो खुद के नोट्स बनाइए जो भी आपने पढ़ाया उसको। नेक्स्ट, नोट्स हमने बना लिया, स्टडी हमने कर ली, तो अब बात आती है किसकी? क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब ध्यान से समझिए, ये बहुत बड़ी बात कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें। आपको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, और यदि आप इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में वो आपके लिए सही हो, बट उसके बाद आपको परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई आपने मॉक टेस्ट दिया या कोई सैंपल टेस्ट सीरीज आपने दी और उसके अंदर आपको 80% नंबर आ रहे हैं, और एम्स की कट ऑफ मान लो 60% जा रही है, और उधर तो आपके टेस्ट सीरीज में 80% आ रहे हैं, यहाँ 60 भी नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि आपने सीरीज ही गलत चुनी है भाई। तो आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर? आपको पहले कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर आप मॉक टेस्ट कीजिए, और मॉक टेस्ट का लेवल है ना वही लेवल होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम अथॉरिटी का लेवल होगा,
तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं तो उन चीज़ों के पीछे पड़िए, आपके टीचर से पूछिए कि इसका क्या आंसर होगा। जैसे ही आप ये चीज़ें करोगे, 50-60 टेस्ट दोगे, आपको सब चीज़ें क्लियर होने लगेगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, नेगेटिव कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ें होने लगेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी, क्योंकि इस बार के नॉर्थ सेट में थोड़ी दिक्कत हुई थी। क्या कि टाइम मैनेजमेंट कुछ स्टूडेंट पूरा कर ही नहीं पाए पेपर को। तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? मॉक टेस्ट से आएगा, और ये डे वन से नहीं आएगा। जैसे आज हमने मॉक टेस्ट दिया तो हो सकता है आज हमारे क्वेश्चन छूट जाए, बट आप यदि 50 मॉक टेस्ट देंगे और टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे तो आपको लास्ट में जाके इससे भी छुटकारा मिल जाएगा कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, इतना जल्दी भी नहीं करना है कि नेगेटिव हो जाए। आपको 2 घंटे दिए तो आप 2 घंटे में पेपर फिनिश कीजिए ठीक से। तो ये 5 स्टेप्स जो मैंने बताई वो मेन स्टेप है कि एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये भी उसके रीजन हो सकते हैं। पहली बात क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आइडेंटिफाई द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दूसरा कि स्पेंट स्टडी टाइम एज पर द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। तीसरा, सेल्फ नोट्स मेकिंग। चौथा है क्वेश्चन प्रैक्टिस, पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर मॉक टेस्ट उसी लेवल का, और फिर टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। तब जाके कहीं कहीं सिलेक्शन की बात होगी, कहीं कहीं सिलेक्शन निकलने लगेंगे। आपको और भी कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और कोई समस्या आ रही है, या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई दिक्कत आती है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, बताइए। मैं और भी टीचर से वीडियो इस पर लाने के लिए बोलूँगा, और हम कोशिश करेंगे, पूरी टीम मिलकर कोशिश करेगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।